राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार और पार्टी में चल रही सियासी कुश्ती के बीच अब एक नया चैप्टर खुलने वाला है। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैप्टर जयपुर के बजाय दिल्ली में खुलेगा और इस चैप्टर की कहानी इन दिनों अपने विभाग बयानों से खासे चर्चा में चल रहे खाद्य व रसद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लिखेंगे। खाचरियावास का राजनीतिक ऊंट अब किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वे अगले 2-3 दिनों में दिल्ली जाने वाले हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां पद पर बने रहने के लिए एक से बढ़कर एक राजनीतिक दांव चल रहे हैं, वही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हार मानने को तैयार नहीं। वे भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में 25 सितंबर को पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आलाकमान एक लाइन का प्रस्ताव बनाकर जयपुर भेजा था, लेकिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सके। कांग्रेस आलाकमान के प्रतिनिधि दो वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। उस दौरान 92 विधायकों की इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद पायलट ने लगातार चुप्पी बरत रखी थी, लेकिन हाल ही में पिछले 7 दिनों में उन्होंने 2 बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे। इस दौरान सचिन पायलट भी हिमाचल प्रदेश में मौजूद थे। पायलट ने हिमाचल में मीडिया से बातचीत में कहा था कि राजस्थान में पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अनुशासनहीनता हुई थी, सबने देखा था। 3 नेताओं को नोटिस भी दिया गया, उन्होंने नोटिस का जवाब भी दिया है। ऐसे में अब कार्यवाही तो होगी ही। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जल्द ही वे कार्यवाही करेंगे। पायलट का ये बयान बेवजह नहीं आया है। पायलट ने इससे 4-5 दिन पहले ही बयान देकर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो देश का सबसे सीनियर सीएम होने की तारीफ की है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की भी संसद में तारीफ की थी। उस तारीफ के बाद क्या हुआ वो सबने देखा है। नई पार्टी बना चुके हैं। खाचरियावास ने जिस तरह आईएएस अफसरों की एसीआर मंत्रियों द्वारा ही भरने का मुद्दा उठाया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पावर व सत्ता का केंद्रीकरण स्वयं के पास रखने का आरोप लगाया है, उसके बाद वे दिल्ली जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि वे उन दोनों से राजस्थान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को जल्द ही दूर करने का निर्णय करें। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के विषय में भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि खाचरियावास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या प्रदेशाध्यक्ष जैसे पदों पर नहीं है, ना ही वे किसी राज्य के प्रभारी है, लेकिन वे मंत्री जरूर है। ऐसे में वे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों मिलने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वे 2 में से 1 गुट के दूत बनकर दिल्ली जा रहे हैं। अब इन दिनों वे जो भूमिका निभा रहे हैं उस हिसाब से किस गुट की बात रखेंगे इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। बुधवार को मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने खाचरियावास से उनके निवास पर मुलाकात भी की थी। हाल ही में आईएएस अफसरों की एसीआर बढ़ने के मुद्दे पर खाचरियावास को लोढ़ा का समर्थन मिला था। लोढ़ा ने कहा था कि एसीआर बढ़ने का अधिकार मंत्रियों को ही मिलना चाहिए। लोढ़ा भी खाचरियावास की तरह ही अपने विभाग बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।